प्यार के साथ वचन धर्म पत्नी के आज के एपिसोड की मैं स्पेशली बात करूं तो भाई मतलब मजा आ गया आज के एपिसोड को देखने में। कहानी भाई आज भी बड़ी नहीं, ठीक है, कहानी वहीं की वहीं टिकी रही, जो था जैसा था वही रहा। लेकिन मजा इस बात पर आया कि आज तो ड्रामा देखने को मिला, लेकिन घिसा पिटा ड्रामा था, लेकिन थोड़ा सा ड्रामा हमें इतने दिनों बाद देखने को मिला कुछ, वरना कोई ड्रामा नहीं होता, हंसी मजा कुछ ज्यादा ही हो गया था कंटेंट में। लेकिन हाँ भाई, आज थोड़ा सा हमें ड्रामा देखने को मिला। वो ड्रामा देखने को मिला काव्या की साइड से कि भाई वो अपने हाथ की नस काट लेती है, क्योंकि भाई जो प्रतीक्षा उसका गृह प्रवेश हो चुका है रवि के साथ, और उससे बोलते कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी, सिंपल सी बात। तो उसने यहाँ पर वही चीज की, वही कोशिश की और वही हुआ, नस काट ली उसने। और नस काटने के बाद क्या हुआ, वो बंदी सीढ़ी से नीचे गिरती 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 नीचे चली गई, और फिर उसके बाद क्या होता है भाई, ड्रामा वहां पर हो रहा है, तुमने क्या कर लिया काव्या, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, उधर रवि भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रतीक्षा बीच में से आती है, वो उसके हाथ पर कपड़ा बांधती है, लेकिन वो कपड़ा कहाँ से है वो ये भी नहीं पता अभी, ठीक है। और कपड़ा आने के बाद क्या होता है, वो कपड़ा बांधती है, उसका जो खून है हाथ से निकल रहा है उसको कंट्रोल करती है, और बोलती है कि भाई मुझे फर्स्ट एड आता है, मैं एक टीचर थी, आई समझ, इसलिए मुझे पता है कि फर्स्ट एड क्या होता है, कैसे क्या करना होता है, इसलिए ये मुझे मत समझाओ। रवि को वो सीधे झाड़ देती है। और फिर उसके बाद क्या, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो मतलब जो रवि है और जो बाकी घर वाले हैं वो उसको मतलब संभालते हैं और लेके चले जाते हैं कमरे में। बस ये हुआ आज के एपिसोड में, बस कुछ खास नहीं हुआ आज की स्टोरी में। अगर मैं सच बताऊं तो आज की स्टोरी में लिटरली कुछ नहीं हुआ जिसको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ बहुत अच्छा हुआ या कुछ ज्यादा ही खराब हो गया, नहीं इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ भी नहीं है। आज का एपिसोड तो बेमतलब लगा सच बताऊं तो। काव्या का ये जो ड्रामा हुआ है तो बिल्कुल बेकार, मतलब काव्या जी अपनी नस काट रही है, और बगल से एक उनका हेल्पर आता है जिसको आज तक हमने कभी देखा ही नहीं। 2 महीने होने वाले हैं चले हुए, और 2 महीने से हमने आज तक उनके किसी भी हेल्पर को नहीं देखा घर के अंदर, जो खाना वाना बनाता है तो कुछ और कर रहा हूँ, सच बताऊं तो कहीं भी नहीं देखा। एंड आज अचानक से वो देखने को मिलता है कि भाई साहब एक हेल्पर आके वो काव्या को बचा रहा है, और आज भी प्रतीक्षा की मांग में सिंदूर नहीं भरा, आज भी, और बिना मांग में सिंदूर भरे शादी हो गई। मतलब ये ऐसा ना सिर्फ एकता कपूर के शो में ही हो सकता है, जिसको हम लोगों ने इतने दिनों से नहीं देखा, एकदम से प्रकट हो जाता है, शादी हो रही है लेकिन भाई मांग में सिंदूर नहीं है, मतलब क्या कैसे। हाँ चलो मैं ये बोल सकता कि चलो शादी हुई ओके एग्री, लेकिन आप शादी में क्या कर रहे हो, आप मंत्र मोबाइल में चला रहे हो, ठीक है। तो चलो मैं उसको एक बार बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट है, चलो मैं उसको लॉजिकली मान सकता हूँ कि हाँ हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे मांग में सिंदूर भरे बिना आप बोल रहे हो कि भाई शादी हो चुकी है, तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। एंड सीरियसली यार बहुत ज्यादा वर्स्ट चीजें हैं ये जो हमें देखने को मिल रही है इस शो में, इन सब चीजों को थोड़ा सा अच्छा और करना चाहिए था, थोड़ा सा और इसको मतलब ऐसा करना चाहिए इसको देख के हम लोग बोले कि यार भाई मजा आ रहा है, लेकिन नहीं, बहुत ज्यादा मेरी होप आज के एपिसोड में टूटी है, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ी सी कहानी आगे आगे बढ़नी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन कहानी आगे बढ़ी नहीं, कहानी तो भैया और पीछे चली गई, ठीक है। कहानी इतने अच्छे पेस पे चल रही थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ भाई, आज उस कहानी को एकदम से पावर ब्रेक हैंड ब्रेक मार के थोड़ा सा स्लो कर दिया गया, और उस हैंड ब्रेक को ऐसा नहीं कि भाई ऐसा हैंड ब्रेक मारा हो कि जो थोड़ा सा मतलब गाड़ी आगे चलती हुई नजर भी आई, नहीं, अब आज से देखना जो स्टोरी होगी वो इतनी ज्यादा स्लो हो जाएगी कि हमें वही डेली के ड्रामे देखने को मिलेंगे और कुछ नहीं। क्योंकि वैसे अगर मैं बोलूँ तो भाई ये जो तो सीरियल था, ये जो तो सीन है भाई शादी वाला, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है इसका, ये 1 महीने से चली रहा है, 1 महीने से शादी का सीन का खत्म ही नहीं हुआ, पता नहीं भाई शादी होगी या बीरबल की खिचड़ी होगी, बीरबल की खिचड़ी भी है 1 महीने में शायद बन जाती, इनकी तो शूटिंग ही नहीं खत्म हो रही, यहाँ तक कि एक्टर्स बोल रहे हैं भाई जल्दी से खत्म करो, हम थक गए, इतना सारा मेकअप, इतनी सारी ज्वेलरी, इतने सारे हैवी हैवी कपड़ों को पहन पहन कर 1 महीने तक, भाई खत्म करो, हमसे नहीं हो रहा। लेकिन भाई ये शादी का सीन ही खत्म नहीं हो रहा, और अभी कल के एपिसोड में क्या होगा, कल के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई जो क्या कहते हैं काव्या के पापा हैं,
वो रवि को बोलते कि अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगा जैसे तुमने बेटी को तड़पाया, अब मैं देखना रवि रंधावा तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ कैसे करता हूँ, ये बोलते हैं। प्रतीक्षा जमीन पर लेटी हुई वो अपने आप को मतलब सोच रही कि बताओ मेरे साथ क्या क्या हो, बोले क्या क्या कहा गया, मतलब मैंने इसके पैसे के लिए शादी की, मैंने इसके लिए की, मैंने उसके लिए की, तो बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं सुन है। और फिर वो क्या करती है, इन सब ख्यालों में खो जाती है और लेटे लेटे रोते रोते ये सब चीजें बोलती है कि तुमने अपनी बीवी बना ली, लेकिन मुझे अपनी बीवी बनाने के बाद भी, धर्मपत्नी बनाने के बाद भी, मैं तुम्हारी धर्मपत्नी नहीं हूँ, तुमने मुझे उसका हक, वो क्या कहते हैं, अधिकार नहीं दिया, ये वो, बहुत सारी बातें होती हैं। तो अब यहाँ पर क्या मेरे को लग रहा है, मेन फोकस अब भी होना कि प्रतीक्षा यानी कि जो कृतिका सिंह है, उन कृतिका सिंह का क्या कहते हैं, वो जो एक क्वेश्चन मार्क बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं ना उनके ऊपर कि भाई उनके फेस एक्सप्रेशन एक जैसे हैं, बल्कि मैं खुद बोलता हूँ कि भाई ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती। अब शायद इन सब चीजों पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से फोकस किया जाएगा और थोड़ा सा अच्छा किया जाएगा भाई, ताकि जो भी चीज है ना वो थोड़ी सी मतलब जो लोगों के दिमाग में आ रही है, मेरे भी दिमाग में आ रही है, और भी जो फैंस है उनके दिमाग में भी आ रही है कि चीज गलत हो रही है, इन सब चीजों को थोड़ा सही किया जाएगा। और जो मतलब थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही हैं, जो थोड़ी सी नेगेटिविटी जा रही है धर्मपत्नी के अगेंस्ट में, इसको भी शायद थोड़ा सा सही किया जाए, जो मुझे लगता है। अब बाकी भाई, अब आज के एपिसोड में इसके अलावा मुझे कुछ खास लगा नहीं इसके ऊपर मैं बात, क्योंकि ये दो सब चीज़ें भाई 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं एंड हमें कुछ भी नहीं कहने की वजह से जरूरत है कुछ नया होता। हाँ एक चीज़ नहीं हुई है ना, आदि भाई 4 एपिसोड से गायब है, कहाँ है आदि पता ही नहीं, वो घर आया नहीं, पुलिस स्टेशन में था, ठीक है वकीलों के साथ था, लेकिन वकीलों को अभी तक आ ही नहीं पाया लेकर घर अपने, समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं यार। चलो भाई अब जो भी है क्या है, अब वो तो भाई एकता कपूरी जाने और भाई जो स्टोरी लिख रहे वही जाने, लेकिन भाई मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा भाई क्या सोच के क्या क्या हो रहा है, सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। लेकिन भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कृतिका सिंह एके प्रतीक्षा का जो कैरेक्टर है, जो उनका रोल था, जो उनकी एक्टिंग थी, उनके एक्सप्रेशन थे, वो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।